Australia versus साउथ अफ्रीका सेकंड सेमीफाइनल ऑफ द आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, और एक ऐसी टीम जो कि सेमीफाइनल में कभी जीती नहीं है, दूसरी टीम जो सेमीफाइनल में कभी हारती नहीं है, लेकिन कलर डालने के लिए बारिश है, रिजर्व डे भी है लेकिन बारिश भी है, और दूसरे दिन भी बारिश है। तो क्या आपकी टीम पे इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है, और क्या होगा आपकी टीम का कॉम्बिनेशन, क्या पूरी टीम टॉस पेस्ट होगी? हेलो, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट्स कोच, पावर्ड बाय विजन 11। ब्रो अक्षर सही है, बात मान शमी। सिर्फ अक्षर और शमी क्यों, उमरान, हर्षल और मनीष सबके साथ खेलो। इस पे विजन 11, इसकी झलक सबसे अलग। दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी विक्टिम, प्लीज प्ले रिस्पांसिबली एंड एट योर ओन रिस्क। मैं हूं पीयूष शर्मा, हमारे साथ में हमारे स्काउट मिस्टर अभिनव कुंद एंड प्रतीक गुसा। वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम। अभी भाई मैं बोर हो गया हूँ बोलते बोलते, साउथ अफ्रीका वही बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड, और लेकिन बोलना पड़ेगा क्या करें, अब हमारा काम ही यही है। तो और साउथ अफ्रीका का वो पैटर्न, अब अगर आप ये फॉलो कर रहे हैं वर्ल्ड कप से, तो अब तक आपको याद हो चुका होगा कि साउथ अफ्रीका ने कितना डोमिनेट किया बैट फर्स्ट करके, और वो कितना स्ट्रगल किए हैं वाइल्ड चेजिंग। लास्ट मैच अफगानिस्तान के अगेंस्ट चेज करके जीते हैं, उससे पहले अगेंस्ट पाकिस्तान भी जीते हैं, बट दोनों विक्ट्रीज उतनी ईजी नहीं थी जितना इजिली वो बैट फर्स्ट करते हुए जीते हैं। 11 में से 10 मैचेस इस साल और 10 में से 5 मैचेस वाइल्ड चेजिंग, और बैट फर्स्ट करते हुए 8 कंसेक्यूटिव 300+ टोटल्स और लोएस्ट मार्जिन ऑफ विक्ट्री 102। अभी भाई हमने काफी बात कर ली रिकॉर्डिंग से पहले भी, ये मैच जो है बिल्कुल सिक्के के बाद ही डिसाइड होगा, क्योंकि ईडन गार्डन्स में एक तो कंडीशंस भी काफी बदल चुकी है। हमने पिछले मैच में भी बात की थी कि बहुत ही लो एंड स्लो सा सर्फेस हो गया है, जो कि हमने लास्ट कुछ सालों में बिल्कुल नहीं देखा था। एक फास्ट और बाउंसी विकेट हुआ करता था, जो कि अब वापस पुराना ईडन गार्डन की तरह बन चुका है। आपको लगता है बारिश जो है और जैसा वेदर है ओवरकास्ट, उसकी वजह से काफी कुछ बदलाव दिखेगा? यार पहले बोलने में क्या है, बोलने में कुछ नहीं है, खेलना ही बहुत मुश्किल है। बोलने का बहुत आसान है। मुझे लग रहा है इंडिया साउथ अफ्रीका फाइनल होने वाला है। अगर टॉस हारेंगे भी मुझे लग रहा है साउथ अफ्रीका फेवरेट्स है ये गेम पे। फिर भी ये बोलना, ऑब्वियसली बोलना ही है, हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो साउथ अफ्रीका बैटिंग फर्स्ट बहुत अच्छे करते हैं, ये हमारे काम ही है। बट आई फील स्टिल एज है साउथ अफ्रीकन टीम के लिए, क्योंकि वो बहुत अच्छे क्रिकेट खेल रहा है, एंड थोड़ा बहुत अगर बैटिंग फर्स्ट है तो बहुत बड़ा एडवांटेज है। फिर भी बैटिंग सेकेंड, वो कंडीशंस के हिसाब से मुझे लग रहा है कि वापस वैसे ही होने वाला है, कि थोड़ा बहुत टर्न मिलने वाला है, एंड साउथ अफ्रीकन बैटर्स स्पिनिंग कंडीशंस में जस्ट अहेड ऑफ ऑस्ट्रेलियन बैटर्स, इसीलिए बोल रहा हूँ फेवरेट से। और क्या क्या पूछा, कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइसेस अभी नहीं है, पहले थॉट्स बाद में पूछेंगे। ठीक है, अभी भाई अभी नहीं, बाद में। ठीक तो वैसे हेड टू हेड पे आते हैं ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका, और बहुत कम वो टीम्स है हेड टू हेड में जहाँ पे साउथ ऑस्ट्रेलिया से कोई टीम आगे होगी, तो साउथ अफ्रीका उनमें से है जो कि थोड़ा आगे है। और अगर हम लास्ट 5 मैचेस की बात करें, रिसेंटली की दोनों टीम से सीरीज खेली थी साउथ अफ्रीका में, 5 में से 4 मैचेस साउथ अफ्रीका ने जीते थे, 1 ऑस्ट्रेलिया ने, लेकिन एक टेम्पलेट वहां पे फिक्स थी, हर टीम जो पहले बैटिंग की थी वही सारे मैचेस जीती है और बहुत ही कन्विंसिंगली जीती है। तो एक जो ऑस्ट्रेलिया ने जीता वही बैट फर्स्ट था, 4 जो साउथ अफ्रीका ने जीते वो भी बैट फर्स्ट है। लेकिन फिर आ जाती है साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री इन द सेमीफाइनल्स, 6 मैचेस आज तक खेले आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप की बात करें सेमीफाइनल में, 6 मैच से 5 हारे हैं, 1 हुआ था टाई, जो कि ऑफकोर्स बहुत ही फेमस है। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें, आज तक सिर्फ 1 ही मैच हारे हैं सेमीफाइनल में, ऑब्वियसली वो अगेंस्ट इंडिया था, इसीलिए मुझे लगता है आज भी वो 2011 वाली जो सेमीफाइनल विक्ट्री थी शायद वो फाइनल से ही बड़ी थी। प्रतीक भाई, आपको लगता है साउथ अफ्रीका का वो जिंक्स जो है फाइनली टूट सकता है इस बार, स्पेशली अगर वो पहले बैटिंग करने आ गए टॉस जीत गए तो, क्योंकि टॉस बहुत ही क्रूशियल फैक्टर हो सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम क्योंकि बारिश है और भले रिजर्व डे है, बट तो भी हर बार हम देखते हैं कि जब भी वेदर खराब होती है हर कैप्टन जो है टॉस जीत के बॉलिंग करना चाहता है। मुझे लग रहा है ये बारिश का जो खतरा है वो शायद कंपेल कर दे कि इवन मतलब साउथ अफ्रीका को बैटिंग फर्स्ट भी करने का मन हो वो शायद चेस करने को प्रेफर करेंगे, बिकॉज अकॉर्डिंगली आप अपनी पूरी स्ट्रैटेजी चेंज कर देते हो। दूसरा, साउथ अफ्रीका ऑलरेडी वर्ल्ड कप रग्बी वाला जीत के आ रही है, बस अब समय है कि थोड़ा क्रिकेट वर्ल्ड कप की तरफ भी एक स्टेप बढ़ाएं और फिर निराश हो जाएं, तो ये वाले पे साउथ अफ्रीका को मैं सपोर्ट करूंगा। मैं चाहता हूँ कि यू नो जेन्युइनली चाहता हूँ कि साउथ अफ्रीका जीते ये वाला गेम। ऐसे फैंस भगवान किसी को ना दे। एक्चुअली सेगमेंट बना दो यार, प्रतीक गोसर का फन फैक्ट्स बोल के एक सेगमेंट बना दो। ऐसे खतर लास्ट मैच में क्या बोला अंपायर रिचर्ड केटलबरो के रग्बी लेके आया क्रिकेट वाला फैंटेसी शो में। नहीं पर मैं बोल रहा हूं कि ऑलरेडी द नेशन हैज वो स्पोर्ट का एंगल पूरा लेके आते हैं। कोशिश करते हैं। देखो मैं जैसे मैंने बताया था नंबर्स पीयूष भाई लेके आते हैं, टेक्निक आप सिखाते हो, तो मेरे लिए बचता ही है वो फन फैक्ट्स। और कुछ बातें पीयूष भाई बोलेंगे कि प्लीज आप मत आओ शो पर।
तो आई हैव टू गो। अभी भाई अब समय आ गया है कैप्टनसी ऑप्शंस का, और उससे पहले बहुत ही मुश्किल है, अगर आप कैप्टन होते तो आप क्या करते, अपनी स्ट्रेंथ पे खेलते, बैटिंग फर्स्ट करते, अगर आप पहले तो बबुआ फिट है तो अगर आप बबुआ की जगह होते तो क्या आप वेदर को देख के पहले बॉलिंग करना चाहते? नहीं यार, मैं मेरे स्ट्रेंथ पे ही खेलूंगा, और बहुत बड़ा स्ट्रेंथ और वीकनेस का बहुत फर्क पड़ रहा है ये ऐसे कंडीशंस में। ऑस्ट्रेलिया भी वही सोचेंगे कि एक बार हमने टॉस को छोड़ो, एक बार पहले बैटिंग उन लोग को देके बहुत बुरे तरीके से हारे, इतने कैच छोड़े थे कि लगता है कि बहुत टाइम हो गया ऐसे। ऑस्ट्रेलिया टीम क्या है, कैसे शुरू किया वर्ल्ड कप, अभी वापस सेमीफाइनल में। आई होप हमारे व्यूअर्स को याद है वो वाला गेम, बट वैसे ही दोनों टीमें मुझे लग रहा है इन स्पाइट ऑफ कंडीशंस, इन स्पाइट ऑफ वेदर, मुझे लग रहा है बैटिंग फर्स्ट ही करेंगे। कभी भाई इसी के साथ अपने कैप्टनसी ऑप्शन भी बता दीजिए आप, और क्या आपके कैप्टनसी ऑप्शन भी टॉस बेस्ड होंगे जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैच भी होने वाला है। थोड़ा बहुत मेरा भरोसा नहीं है कि एक प्योर बैटर को लेना है ऐसे कंडीशंस पे, और बैटर्स कम रखूंगा मेरे टीम पे, इसीलिए ऑलराउंडर्स और बॉलर्स मेरे टीम पे रहेगा। थोड़ा बहुत पीयूष शर्मा के साथ जाऊंगा कि एडम जाम्पा मेरे चॉइसेस पे रहेगा, वही एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है, ग्लेन मैक्सवेल दूसरा है, केशव महाराज, एडन माक्रम, ये दोनों 100%। एंड मुझे लग रहा है केशव महाराज एक थोड़ा बहुत आउट ऑफ द बॉक्स पिक है, बट फिर भी लेफ्ट आर्म स्पिनर्स और मानस लबुशेन और स्टीवन स्मिथ का बहुत अच्छा सा एक कहानी, एक मैचअप है। उसके बाद आई स्टिल फील उनका मिडल ऑर्डर बहुत बहुत सस्पेक्ट है अगेंस्ट लेफ्ट आर्म स्पिन, और ये ही वो मैच होने वाला है कि वो ऑस्ट्रेलियंस विल डेफिनेटली मिस एश्टन एगर, बिकॉज इतना रिस्ट स्पिन के लिए इतना असिस्टेंस नहीं है, फिंगर स्पिनर, थोड़ा तेज डालने वाला फिंगर स्पिनर को असिस्टेंस मिलने है, देखा है कोलकाता में, एंड दिस इज द गेम आई फील वो एश्टन एगर को बहुत मिस करने वाला है। एग्जैक्टली और हमने ये लेफ्ट आर्म स्पिन वाले मैचअप की बात भी की थी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, सबसे ज्यादा अगर वल्नरेबल कोई टीम है अगेंस्ट लेफ्ट आर्म स्पिन इवन बिफोर द वर्ल्ड कप ने बात की थी वो साउथ अफ्रीका है, और वो हमने जब इंडिया के अगेंस्ट खेले वो दिखा भी, इसीलिए जडेजा हमारे कैप्टनसी ऑप्शन में भी थे उस मैच में, और जडेजा ने बाद में किया साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, तो आपने देखा ही होगा। तो केशव महाराज भी एक इंटरेस्टिंग आपके लिए ऑप्शन होंगे, जैसा विकेट है और जैसे उन्होंने बॉलिंग की थी अगेंस्ट इंडिया, 8.1 डिग्री का टर्न था जो कि हाईएस्ट था इस वर्ल्ड कप में, जो शुभमन गिल वाली डिलीवरी थी। उनका रिकॉर्ड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया काफी अच्छा है, मोस्ट विकेट्स उनके अगेंस्ट उन्हीं के हैं, लेकिन 11 विकेट है, 11 के 11 बॉलिंग सेकंड आए, तो अगेन वो पैटर्न आपको दिखेगा, जो कि इसलिए हम बार बार बोलते रहेंगे पूरे शो में कि टॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बेसिस पे आपकी टीम डिसाइड होगी। इनफैक्ट मैं अभी भाई तो मस्ती भी कर रहा था कि 7-4 जो भी टॉस जीत रहा है पहले बैटिंग कर रहा है उसकी फिर वो बना देंगे। प्रदीप भाई आपके लिए कैप्टनसी ऑप्शंस, एडम जाम्पा की बात की अभी भाई ने, जिनका रिकॉर्ड अगेंस्ट साउथ अफ्रीका बिल्कुल अच्छा नहीं रहा, उनका सबसे खराब स्ट्राइक रेट आप बोल सकते हैं, इनका लास्ट मैच में 70 रन खाए, उससे पहले जब साउथ अफ्रीका में खेले थे वहां पे भी उन्होंने 100 रन खाए थे, लेकिन मुझे लगता है ये मैच स्पेशली डिफेंड करते हुए बहुत ही अच्छा जा सकता है उनके लिए। क्या आपके लिए एडम जाम्पा होंगे एक डिफरेंट कैप्टन? डिफरेंशियल कैप्टनसी में 100% कंसिडर कर सकते हैं, तो मतलब मैं एक सिनेरियो बता देता हूं कि ऑस्ट्रेलिया बैटिंग फर्स्ट, मुझे अभी भी लग रहा है कि डेविड वॉर्नर का वैल्यू है, नॉकआउट्स हैं साउथ अफ्रीका के सामने खेल रहे हैं, मतलब यू नो बड़ा जब एक एक प्लेटफॉर्म आता है वहां पर मुझे लग रहा है कि सीनियर बैटर हैं तो वो स्टेप अप करेंगे, तो डेविड वॉर्नर एंड एडम जाम्पा अगर ऑस्ट्रेलिया बैटिंग फर्स्ट कर रही हो, इस सिनेरियो में अगर कुछ डिफरेंशियल करना हुआ तो हेनरिक क्लासेन बिकॉज बैटिंग सेकेंड कर रहे हैं, स्पिन सही से खेल रहे हैं, वो चेस करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं मुझे लग रहा है। अगर साउथ अफ्रीका बैटिंग फर्स्ट कर रही है तो उस केस में एडन माक्रम रहेंगे मेरे एक अच्छे खासे कैप्टनसी वाइज कैप्टनसी चॉइसेस, और उनके बाद मतलब देखते हैं कि मतलब यू नो इन मतलब उनके बाद या फिर जाम्पा के पास वापस से जा सकते हैं बिकॉज बॉलिंग फर्स्ट होगी वो, तो एक वो वाला कंसिडरेशन रहेगा, बट ये कॉम्बिनेशन के साथ में कोशिश करूंगा जाने की। मुझे लगता है कि हम प्लेयर टू अवॉइड की बात करेंगे तो ऑलरेडी हमारे पास और 5-10 ऑप्शन और हो जाएंगे, क्योंकि सब टॉस बेस्ड है तो डायरेक्ट टीम बना लेते हैं, और विजन 11 पे अगर आपने अभी तक साइन अप नहीं किया तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, और उसी के नीचे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिलेगा, तो यूस्पोर्ट के चैनल पे आपको मिलेगी यूस्पोर्ट की एल्गो बेस्ड टीम, मेरे चैनल पे मेरी टीम, आईवाई के चैनल पे आईवाई की टीम, गेस नहीं किया होगा ना अपने, ऐसा हो सकता है। नॉट अ फन। तो आप चलते हैं, मैच मिल जाए बस मुझे, मैच है कहाँ है, वैसे जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी तक इंडिया न्यूजीलैंड वाला सेमीफाइनल हुआ नहीं है, तो हमें पता नहीं है कि किसके अगेंस्ट फाइनल में खेलने वाली जीतने वाली टीम, हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि इंडिया के अगेंस्ट जो भी आएगी वो हारेगी इंडिया से, तो पहले इंडिया जीत जाए बस। कट करके बताओ यार, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका टाइमिंग भी लिखो, 14 नवंबर 1:45 PM। आप भी एक शुरू कर दो ना, वो सुमित एस्ट्रोलॉजर की तरह आप भी शुरू कर दो एक, ये
मस्ती मजाक के लिए चलता है ये सब। पर मैं खाली एक चीज बताना चाहूंगा कि हमारे ये खुश चेहरे हैं, ये सब रिकॉर्डिंग हो रही है इंडिया के मैच के पहले, ठीक है? बस मैं एक बड़ा डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, फजल वहां इंडिया के मैच के बाद में भी इतने खुश होंगे, जीत जाएगी इंडिया आराम से, नहीं बस जीत अगर हार जाएगी, जाए जीत तो जाएगी बोलना मत करो। जोर से, पर मैं खाली एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, तो लो लगे अरे इंडिया हार गए तुम खुशी मना रहे हो वगैरह, तो नहीं ऐसा नहीं है। तो दोस्तों बेस टीम तो बना लेंगे, बट उसके पहले देख लेते हैं व्यू स्पोर्ट की अल्गोरिथम वाली टीम्स की परफॉर्मेंस। ऑफ लेट काफी अच्छी गेम्स गई हैं, कुछ गेम्स में अल्गोरिथम ने डिसअपॉइंट करा है, बट अगर आप इस वर्ल्ड कप की ही बात करो तो हमने बैक टू बैक अच्छी गेम्स में परफॉर्मेंस दी है, चाहे वो हो न्यूजीलैंड बनाम श्रीलंका, या उसके पहले हमने दी थी बैक टू बैक दो जीएल विनिंग टीम्स ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफगानिस्तान में, श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश में, और उसके पहले आप देखो तो इंडिया के मैचेस भी काफी अच्छे गए थे। तो कुल मिलाकर अगर आप देखो तो इस वर्ल्ड कप में जो हमने टारगेट रखा था कि 10 में से 5 मैच जीतना है, या इन जनरल भी अगर आप कोई भी फैंटेसी स्पोर्ट खेलते हो तो स्मॉल लीग्स में खेला करो और कोशिश करो कि 50% विन रेट टारगेट करो, मतलब 10 मैच में से 5 मैच जीता करो, जिससे क्या होगा आप इवेंचुअली प्रॉफिटेबल रहोगे। इसके अलावा हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कोई भी लीग खेलते हो, चाहे वो केसीसी T10 हो, चाहे वो ECS हो, चाहे वो हो वर्ल्ड कप या WBBL के गेम्स, इन सारे गेम्स में आपको जो भी टूर्नामेंट खेलते हो उसके सारे गेम्स आपको खेलने हैं। प्लीज पिक एंड चूज मत कीजिए कि आपने एक ECC खेला, फिर आपने खेला एक इंडिया वाला मैच, फिर आपने खेल लिया एक WBBL, ऐसे करोगे तो शायद फंसने का मौका जरूर बन सकता है। एक और चीज जो आप में से कई लोग ये डाउट पूछते हैं कि व्यू स्पोर्ट पे कौन से फॉर्मेट की टीम मिलती है, तो व्यू स्पोर्ट पे आपको 7-4 और 10-1 ये दोनों फॉर्मेट्स की टीम मिलती है। अगर आप देखोगे आपको बगल में दिखेगा एक स्क्रीनशॉट, वहां पर ऊपर 7-4 वाला एक नंबर है और दूसरा है 10-1, जिस पे क्लिक करोगे उस फॉर्मेट की टीम मिल जाएगी। तो यदि आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे खेलते हो जहां पर 10-1 अलाउड है, तो वहां पर कृपया करके 10-1 वाली टीम ही लगाना। उन प्लेटफॉर्म्स पे जहां पर 7-4 खेल सकते हो तो वहां पर 7-4 वाली चूज करना। तो चलो चलते हैं वापस बेस टीम बनाते हैं, ओवर टू यू पीयूष भाई। वीडियो सेक्शन में चलते हैं, क्विंटन डिकॉक है आपके पास में, और क्विंटन डिकॉक हमने पहले बहुत बात की थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया जब मैच था, वो हेजलवुड वाला मैच, सब 7 बार आउट किया ओडीआई में, उनके सबसे ज्यादा डिसमिसल है, 4 बार मिचेल स्टार्क ने किया है, 4थी बार अब मैक्सवेल ने कर दिया था लास्ट मैच में, जब तो क्विंटन डिकॉक ने खुद ही विकेट दे दिया, नहीं कर रहा बैटिंग में। इसके अलावा T20s में आपको हेजलवुड वाला मैचअप दिखेगा, 3 बार आउट किया है इंक्लूडिंग IPL, लेकिन दिक्कत यह है कि ऑस्ट्रेलिया पावर प्ले विकेट्स ले ही नहीं रही है। इस बार सबसे ज्यादा विकेटलेस जो टीम गई है पावर प्ले में ऑस्ट्रेलिया ही है, इंक्लूडिंग द लास्ट गेम अगेंस्ट बांग्लादेश, वहां पर पावर प्ले में विकेट नहीं मिला था। मिचेल स्टार्क ने तो बोला भी है कि ये 2 न्यू बॉल है जो बंद कराओ इसको, मेरी बॉल रिवर्स स्विंग नहीं हो रही है अभी। भाई काफी वैलिड वैसे मुझे आर्ग्यूमेंट लगता है, कल वसीम वकार यूनिस ने भी ट्वीट किया था सेम कि 2 न्यू बॉल नहीं होनी चाहिए, आपको लगता है कि बहुत हो गया अब एक के साथ ही खेलो? ओडीआई क्रिकेट का बहुत हो गया है। ये भी वैसे बहुत सारे लोग बोलना चाहते हैं लेकिन सोशल मीडिया वजह से आप बोलोगे। इतना बड़ा टूर्नामेंट में ठीक है चलता है, बहुत अच्छा मैचेस है, इंटरेस्टिंग है, पर इतना रूल चेंज कर करके आप लोग समझते हो कि थोड़ा इंटरेस्टिंग बनना है, दो पावर प्ले को चेंज कर रहा है, न्यू बॉल का रूल चेंज कर रहा है, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। एक दिन है, मुझे एक्चुअली एक आदमी ने आके पूछा है कि उस दिन मैक्सवेल को रनर क्यों नहीं दिया है, लोग इतने मतलब सोच रहे हैं कि बाय रनर दे सकता है अभी भी, कि थोड़ा बहुत इतना रूल्स चेंज करोगे, इतना कॉम्प्लिकेटेड स्पोर्ट है वैसे ही, समझने के लिए इतना मुश्किल है, इतना लंबा भी है, छोड़ो न्यू बॉल का बात छोड़ो। मुझे वैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे आपने रनर वाली बात की, तो बहुत सारे जो मतलब फैंटेसी एक्सपर्ट जो मेरे दोस्त हैं या फिर बहुत सारे जो फील्ड में, उन्हें अब तक ये नहीं पता कि 2 न्यू बॉल यूज कैसे होती है। तो जब ये मिचेल स्टार्क वाला हुआ तो बहुत लोगों ने पूछा कि ये 2 न्यू बॉल कैसे यूज हो रही है, तो इतना ज्यादा जो बहुत ज्यादा एजुकेटेड फैंस है उन्हें भी आइडिया नहीं है, तो इतने ज्यादा चेंजेस जो है कुछ खास अच्छे है नहीं इस फॉर्मेट के लिए जो ऑलरेडी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है। हमने देखा है इस वर्ल्ड कप में बहुत ज्यादा क्लोज मैचेस हुए नहीं है, और जब तक मल्टीनेशनल टूर्नामेंट है तब तक तो अच्छा है, लेकिन बायलैटरल बहुत ज्यादा ईजी है नहीं, व्यूशिप अगर आपको दिखेगी तो आपको नंबर पता चली जाएंगे। पर एक भाई फिलहाल विकेट सेक्शन पे चलते हैं, क्विंटन डिकॉक की काफी बात कर ली हमने, हेनरिक लार्सन उन्होंने मतलब काफी एंजॉय किया है अगेंस्ट इस साइड खेलना, उनके साथ रन है और एक अगेन छोटी सी पारी 174, लेकिन लास्ट कुछ मैचेस में रन आए नहीं है। और स्पेन के गेम की हम बात करते हैं, लास्ट मैच में अगेंस्ट स्पेन ही आउट हो गए थे अगेंस्ट राशिद खान, आपके लिए वो विकेट कीपर कब और कौन से? क्विंटन डिकॉक बैट फर्स्ट, हेनरिक लार्सन बैट सेकंड, इंग्लिश को इधर केस में नहीं पिक कर पाऊंगा। बहुत बढ़िया, शॉर्ट एंड स्वीट। अभी भाई आई एम श्योर क्विंटन डिकॉक आपकी प्ले टू वर्ल्ड लिस्ट में रहेंगे, लास्ट मैच में भी थे और उन्होंने कुछ नहीं किया था, जब हम लास्ट सीजन इंडिया और साउथ अफ्रीका वाले मैच की बात कर रहे हैं, क्या इस मैच में भी आप क्विंटन डिकॉक को प्ले टू वर्ल्ड देंगे, स्पेशली अंडर लाइट स्विंग जो हो रही है और सामने जरूर?
नहीं, मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत लो स्कोरिंग मैच होने वाला है और उसपे एक कंट्रीब्यूशन करेगा वो क्विंटन डिकॉक करेगा, और मेरा बैकिंग है साउथ अफ्रीका, तो दोनों विकेट कीपर लूंगा साउथ अफ्रीका से। एक रिस्क है बट फिर भी मेरा भरोसा क्यों आया साउथ अफ्रीका मतलब क्विंटन डिकॉक से, इज बिकॉज वो कैचेस का भी पॉइंट्स देता है, हमने लास्ट मैच में बताया था। तो क्विंटन डिकॉक, हेनरी क्लासन, नो मैटर वॉट सिंपल से रखना चाहता हूँ, बैट फर्स्ट बैट सेकेंड दोनों विकेट कीपर रखूंगा मैं, जॉश इंग्लिश प्लेयर टू अवॉइड। फुल साउथ अफ्रीका जा रहा है अभी भाई। बैटिंग सिक्स में चलते हैं, आपके पास डेविड वार्नर है, स्टीवन स्मिथ है, वार्नर की हमने ऑलरेडी मैचअप की काफी बात की थी, अगेंस्ट का ईश्वर अवार्ड बहुत ही बढ़िया है, 185 रन कर चुके हैं, कोई डिसमिसल नहीं है, लेकिन लुंगिन गिडी 4 बार आउट कर चुके हैं लास्ट मैच से मिला ले तो भी। लुंगिन गिडी की फिटनेस जरूर एक कंसर्न होगी और दो मैचेस में स्ट्रगल करते हुए दिखेंगे, इस इंडिया भी बाहर चले गए थे, उसके बाद नेक्स्ट मैच खेले उसमें भी बाहर चले गए थे, फिर वापस आए, हो सकता है शायद आपको इस मैच में खेलते हुए ना दिखे अगर फुली फिट ना हो तो। हाँ शाम से जी तो आएंगे ही, बट बड़ा मुश्किल है पर्चे को बाहर करना, तो मुझे लगता है लुंगी खिड़ी का बाहर बैठने का समय आ गया अभी भाई। स्टीवन स्मिथ रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा रहा है, भले ही रिसेंटली बहुत ज्यादा रन नहीं किए, लेकिन इस मैच में बेस्ट एवरेज आईसीसी नॉकआउट में स्टीवन स्मिथ का है, 100 से ऊपर का एवरेज, 4 मैचेस खेले हैं, चारों 50 प्लस स्कोर, आपके लिए क्या स्टेट पे? नहीं है बिकॉज मेरा मुझे लग रहा है स्टीवन स्मिथ इतना अच्छा नहीं खेल रहा है, उनका थोड़ा बहुत इवन लास्ट मैच में ठीक ठाक खेला था पर उनका स्ट्राइक रेट और उनका वो टच और फ्लो नहीं था, वो मिसिंग था। टच और फ्लो एक आदमी का था, वो 170 रन मारा था उसने, वो 177 उसको भी मैं ड्रॉप करने वाला हूँ बिकॉज कंडीशंस का, जमीन आसमान का फर्क है, पुणे से कलकत्ता का फ्लाइट लोगे और वेरी वेरी डिफरेंट कंडीशन, ब्लैक सॉइल का सरफेस है, इतना बाउंस नहीं मिलने वाला है, टर्न मिलने वाला है, और मिचेल मार्श बाउंस पेस बहुत प्रिफर करता है। दो ही बैटर्स है, सिंपल, डेविड वार्नर, रासी वैंडरडसन। इंटरेस्टिंग, वैसे मिशेल मार्श मेरी भी एटलीस्ट कैप्टनसी ऑप्शन में तो बिल्कुल लेंगे, हो सकता है मैं छोड़ भी दूं और आपको मैचअप दिखेंगे सामने आपकी स्क्रीन पे तो वो भी कुछ खास अच्छे हैं। प्रतीक भाई आपके लिए बैटर्स? मेरे लिए डेविड वार्नर पक्का, मैं जाऊंगा वैंडरडसन के साथ भी, तो ये दो मेरे पक्के दो बैटर्स हैं जिनको मैं बैक करूंगा इस गेम में। इसके बाद थोड़ा सा टेम्पटेड हूँ ट्रैविस हेड की तरफ भी जाने के लिए, एक तो जो आपने बताया था मतलब एटलीस्ट स्पेशली बैटिंग फर्स्ट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वहां पर वैल्यू होगी, प्लस सेकंड बॉलिंग होगी तो वहां पर शायद इनको ही मतलब एक चांस मिलेगा कुछ ओवर्स डालने के लिए, तो ट्रैविस हेड, तो ये तीन कंसिडरेशन में है। यदि ऑस्ट्रेलिया चेस कर रही है तो वहां पर थोड़ा सा स्टीवन स्मिथ की तरफ मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ा सा टेम्प्ट हो जाऊं अगेन, क्योंकि वहां पर एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ऊपर विकेट्स गिरेंगी, तो यहां पर सीनियर बैटर हैं तो शायद वहां पर कुछ सपोर्ट कर जाए, बट अभी के लिए अगर बिकॉज तीन प्लेयर्स मैं उस प्लेटफॉर्म पे खेलता हूं जो 7-4 होती है, तीन बैटर्स पिक करना पड़ता है, तो वार्नर, वैंडरडसन और हेड या स्मिथ, इसमें थोड़ा सा स्प्लिट है। विजन इलेवन के पास वैसे दोनों फॉर्मेट अवेलेबल है, 7-4, 10-1 जो आप खेलना चाहें, अगर आपको लगता है ऑस्ट्रेलिया 10-1 जीत जाएगी वैसे तो आप वहां भी बना सकते हैं। मैं आई एम ऑल ऑन ऑस्ट्रेलिया, नहीं जीतेगी साउथ अफ्रीका ऐसा मुझे लगता है। प्रतीक भाई ऑलराउंडर सेक्शन पे चलते हैं, मार्को यानसन, ग्लेन मैक्सवेल, एडन माकरम, मैंने तीनों पिक कर लिए, क्या आप इसमें कुछ बदलाव करना चाहेंगे? नॉट एट ऑल, थ्री स्ट्रेट ऑप्शन। अभी भाई आरवीडी की बात की आपने, मूव ऑन टू आरवीडी, ठीक है चलते हैं, बोलिए अभी भाई ने नहीं लूंगा मतलब बोलस पे चलते हैं, मतलब मैक्सवेल मेरा कैप्टेंसी ऑप्शन है, माकरम भी है एक कैप्टेंसी ऑप्शन, बिकॉज मुझे लग रहा है पहले 10 ओवर पे एक दो ओवर मिलने वाला है माकरम को और आउट करने वाला है ट्रैविस हेड को, क्योंकि मेरे टीम पे नहीं बस वैसे मैक्सवेल की हमने बात की है, लास्ट मैच में 2 विकेट्स पिक किए थे उन्होंने इस साइड, इंक्लूडिंग क्विंटन डिकॉक, एक मेडन भी डाला था, लेकिन बैटिंग में कुछ तो हो जाता है उन्हें अगेंस्ट दिस साइड, 13 मैचेस खेले, एवरेज है 9.69, लास्ट मैच में 3 रन किए थे और ये हमने तब भी बात की थी कि उनका लोएस्ट एवरेज है। और सिक्स में मार्कस स्टॉइनिस दिखेंगे आपको, जिनका एवरेज इनसे सीधे दुगना है 18 का, तो उनका भी प्रदर्शन विद द बैट कुछ खास अच्छा नहीं है, बट विद द बॉल बहुत काफी अच्छे मैचअप है, काफी सारे बैटर्स के अगेंस्ट उन्होंने विकेट भी पिक किए अगेंस्ट दिस साइड, तो बैटिंग वैल्यू शायद मे बी इतनी नहीं रही है अभी तक, लेकिन मैक्सवेल वो एक छोटी सी पारी खेल के आ रहे हैं, वो कितने की 201 नॉट आउट की एक पैर पे, तो बस वही है जो कि बहुत कॉन्फिडेंस देने वाला है। अभी भाई अगर आपने ऐसी इनिंग खेली हो तो नेक्स्ट मैच में क्या आपको ऑलरेडी वो कॉन्फिडेंस आता है कि साइड कोई भी आ जाए, कोई सा बॉलर आ जाए, मैं फोड़ दूंगा एकदम? 100% बिकॉज तुम्हारा फॉर्म इतना अच्छा है कि लगता है इनविंसिबल है, एंड समटाइम्स थोड़ा बहुत वो मैच्योरिटी होना चाहिए थोड़ा नीचे आने के लिए, बिकॉज बहुत बार मैक्सवेल के पास वो रहेगा बिकॉज वो ऐसे ही खेलते हैं, बट फिर भी उनको पता है, इतना एक्सपीरियंस है इंडियन कंडीशंस खेलने के बाद, कि वेस्ट ऑफ इंडिया में खेलना एक है, ईस्ट ऑफ इंडिया में खेलना एक है, कि वेस्ट में इतना अच्छा है तो ईस्ट आएंगे,
थोड़ा बहुत फाइट है। फाइट मतलब क्या है ना, फाइट फाइट मतलब ये अपर बॉडी वाला शॉट्स बहुत आसान है वेस्ट में, ईस्ट जाएंगे सब लोअर बॉडी शॉट्स है, सब एंकल के पास आएगा बॉल। तो कैप्टनसी ऑप्शन हमारी जरूर रहेंगे मैक्सवेल, भले ही उनका रिकॉर्ड कितना भी खराब रहा होगा साउथ अफ्रीका, लेकिन बहुत ही सेफ कैप्टनसी ऑप्शन है क्योंकि आपको ओवर्स करते हुए दिखेंगे और जैसी सरफेस है वहाँ बॉलिंग वैल्यू थोड़ी और बढ़ जाती है। बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं, एडम जाम्पा है जिनका रिकॉर्ड अच्छा रहा नहीं है, बट हम एक्सपेक्ट करें कि अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी ऑन दिस विकेट, स्पेशली अगर वो डिफेंड कर रहे हैं। मिचेल स्टार्क अगेन उनके भी नंबर्स कुछ बहुत ज्यादा अच्छे नहीं रहे, उनका वो स्ट्राइक रेट में से आप कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन लास्ट अगर आप 6 मैचेस की बात करें, हर मैच में दो दो विकेट है, एक मैच को छोड़कर जहाँ पे एक विकेट पिक किया था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। कगिसो रबाडा उनके भी मोस्ट विकेट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया है, और लास्ट अगर आप कुछ मैचेस देखेंगे तो लास्ट आई थिंक 7 मैचेस हो गए हैं, हर मैच में मिनिमम दो दो विकेट पिक किए हैं। अभी भाई क्या रबाडा आपके लिए कैप्टनसी ऑप्शन में हो सकते हैं अगर साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करती है और फिर मान लेती है 5-600 रन और उसके बाद ऑल आउट कर देती है ऑस्ट्रेलिया को 50 रन पे जैसा आप एक्सपेक्ट करते हैं? डेफिनेटली यार, मैं एक इनफैक्ट एक ऑस्ट्रेलियन बॉलर ही सैक्रिफाइस करूंगा, 8-3 के साथ जाऊंगा अगर साउथ अफ्रीका बैटिंग फर्स्ट है तो। 7-4 है वैसे ही, मतलब उसमें मिचेल स्टार्क, एडम जैम्पा, चार बॉलर में मिचेल स्टार्क, एडम जैम्पा, महाराज और मे बी कोएट्जी, ये चार है, अलॉन्ग विथ रबाडा 5 हो जाता है, मतलब 8-3 का कॉम्बिनेशन है। तो आई विल ड्रॉप वन बैटर, आई विल ड्रॉप एक इवन 7-4, इवन आरवीडी को ड्रॉप कर सकता है, पर मैं बोलर्स के साथ जाना चाहता हूँ ये मैच पे, एंड रबाडा, कोजी एंड महाराज मुझे लग रहा है मेरा डायरेक्ट पिक्स है, स्टार्क और जैम्पा के बीच में एक लूंगा, एंड मोर टुवर्ड्स एडम जैम्पा। प्रदीप भाई, जॉश हेजलवुड उनके नंबर्स की हम बात कर चुके हैं अगेंस्ट दिस साइड, बॉलिंग सेकंड करते हुए नंबर्स ज्यादा अच्छे रहे हैं और एवरेज ऑलमोस्ट आधा हो जाता है, और गैरेट कुंजिया जो कि पूरे टूर्नामेंट में एक भी बार विकेट लेस नहीं गए, इनफैक्ट सबसे ज्यादा विकेट फॉर एनी साउथ अफ्रीकन बॉलर इन ओडीआई वर्ल्ड कप वो ऑलरेडी तोड़ चुके हैं, जो कि ग्रेट लैंस क्रूथनर का था, ऑलरेडी टॉप विकेट टेकर बन चुके हैं। आपके लिए क्या वो डिफॉल्ट ऑप्शन है और उसके अलावा आपके बॉलर्स कौन? कोएट्जी के लिए प्यार आपको पता ही है, डे वन से पिक कर रहा ऑफ हूँ, कोर्स आपकी तो अजमतुल्ला उमर जाइए वो मेरे अजमतुल्ला उमर जाए, कोएट्जी, तो ये सारे, बट मेरे लिए महाराज पक्का, कोएट्जी पक्का और जैम्पा पक्का, तो ये 3 पक्के हैं। इसके बाद बॉलिंग सेकंड हेजलवुड है तो उनको बैक करूंगा, रबाडा है तो रबाडा को बैक करूंगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड 4 बॉलर्स। जी हाँ, जब आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो हो सकता है आपके बॉलर्स जो हैं आपको काफी सारे दिखे, और जितना ये लो स्कोरिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ईडन में आपको रखने भी चाहिए। इसी के साथ बेस्ट टीम हमारी तैयार है, और फिर से हम वही कहेंगे जैसे हमने शुरुआत की थी कि टॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो टीम पहले बैटिंग कर रही है, इवन दो ओवरकास्ट है और बारिश की संभावना है, रिजर्व डे पे भी मैच जा सकता है, इनफैक्ट रिजर्व डे पे ही फोरकास्ट अच्छी रही नहीं है, लेकिन ये फोरकास्ट जो भी करता है ना उनकी कुछ खास प्रिडिक्शन अच्छी रही नहीं है वैसे उनकी भी, जितनी बार हम बात करते हैं बारिश 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 होती नहीं है, जिन्हें समय हमने बात की थी न्यूजीलैंड पाकिस्तान, एक बूंद गिरी नहीं और सारे विकेट गिर गए उससे पहले। अभी भाई आपको क्या लगता है मैच होगा पूरा पहले दिन ही? यार अच्छा है रिजर्व डे दिया है, अच्छा है एक्चुअली, बिकॉज इतने बड़े गेम पे यू डोंट वांट 20 ओवर का मैच या ऐसा कुछ, नहीं हो T20 नहीं खेलना चाहिए, या 50 ओवर्स के फॉर्मेट में थोड़ा चांस अच्छा है ना, तो आई आई लाइक द रिजर्व डे कॉन्सेप्ट, तो आई थिंक हो जाएगा, अच्छा ड्रेनेज है इंडियन गार्डन्स में, नया बना है तो हो जाएगा, अगर पूरे वेदर का प्रेडिक्शन क्या दूं यार मैं। ठीक है रहन देते, लेकिन नहीं गिवअवे का प्रेडिक्शन है आपको राइट, देना अगर पड़ेगा। मैच यदि मैच वॉश आउट होता है तो साउथ अफ्रीका क्वालिफाई करेगी राइट? हाँ जी, अगर रिजर्व डे पे भी नहीं, अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलता है उसके बाद में भी वो T20 में जाएंगे, अगर वो भी नहीं होता है तो सुपर ओवर, वो भी नहीं होता है तो फिर साउथ अफ्रीका क्वालिफाई कर जाएगी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से ऊपर फिनिश किया था, हालांकि लगता नहीं है वहां तक पहुंचेगा मैच। प्रदीप भाई जाने से पहले क्विकली गिवअवे का सवाल, और वो आज आपका गिव अवे का सवाल होगा, ट्रेविस हेड के रन्स बता दीजिए। मैं शुरुआत करता हूँ विद 250 से, क्या, अच्छा नहीं 50। हाँ कितने बोला, 2200? हाँ अरे बोलो बोलो, आप बोलो। मैं बोलता हूँ 47 ट्रेविस हेड, 40 से अभी भाई 14, 14 मैं चले जाता हूँ 7। तो आज के लिए इतना ही हमारा टाइम पास, और जाने से पहले आपको कमेंट करना है ट्रेविस हेड के रन, अगर आपको एक क्लोजेस्ट तो आप जीत जाएंगे, मल्टीपल करेक्ट आंसर्स हुए तो फिर जो फास्टेस्ट होगा वो जीत जाएगा। जाने से पहले एक क्विक प्रेडिक्शन, अभी भाई साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका, प्रतीक रोटी भाई, ऑफ फायर, साउथ अफ्रीका, मुंबई, दोनों मुंबई, साउथ अफ्रीका इजी।
वैसे तो आई लव साउथ अफ्रीका और मैं बहुत सालों से सपोर्ट करता आ रहा हूँ। इनफैक्ट मेरी टॉप फोर में भी थी टूर्नामेंट से पहले, बट बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि हमें तो कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन नाम जरूर जीत सकते हैं जर्सी, पार्टिसिपेट करिए। कैसा लगा एपिसोड वो भी बताइएगा, और फिर मिलेंगे हम फाइनल में होपफुली इंडिया का प्रीव्यू करते हुए। अभी तक हुआ नहीं है तो नीचे गाली मत देना, तो हमें खुद भी नहीं पता अभी, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंडिया जीत जाएगी, और जो भी टीम यहाँ जीतेगी उसके साथ करेंगे हम फाइनल का प्रीव्यू। मिलते हैं नेक्स्ट प्रीव्यू में। थैंक यू सो मच अभी भाई, प्रदीप भाई, समय देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू।